स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू रीड लेसन नंबर 1, स्टैंडर्ड 4th. आवर लेसन नंबर 1 इज अ पोयम. वेक अप, नेम इज वेक अप. Now I am going to read this. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy head. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come out. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks and the sheep, the tiniest chicken, chip, chip, chip. The cow, the horses, the ducks and the sheep, the tiniest chicken, chip, chip, chip. Wake up. This is our poem. ये poem wake up मतलब wake up, that means चलो उठ जाओ, जाग जाओ. It's a lovely day. Wake up, it's a lovely day. चलो सब अब उठो, बहुत ही सुंदर दिन है आज. It's a lovely day, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा दिन है. Oh, please get up and come and play. अरे आप चलो, please, कृपया उठ जाओ और चलो खेलते हैं. फिर तैयार होंगे और हम खेलेंगे. जैसे हम लोग रोज सुबह उठते हैं, अपना डेली जो रूटीन होता है, टेक अ बस, देन टेक बाथ, देन फिर आप अच्छे से ड्रेस्ड होते हैं. आप ये पिक्चर देखो, यहाँ पे ये जो पेड़ है उसमें पंछी सब जा गए हैं, बच्चा है, ये एक सो रहा है. पोएट यहाँ पे यही कह रहा है कि चलो उठ जाओ, कब तक इस तरह से सोते रहोगे. द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, पंछी पेड़ पर गाने गा रहे हैं, सिंगिंग. एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, जो बजिंग बीज होती है वो जो आवाज करती है, बज आवाज आता है जो, उसको कहा गया है. तो यहाँ पे कहा है बर्ड्स ट्रीज में उड़ गए हैं, पेड़ों पे और गाना गा रहे हैं, बजिंग बीज आप उनको सुन सकते हैं. चलो अब आप उठ जाओ, वेक अप, इट्स अ लवली डे. चलो उठ जाओ, ये बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा दिन है. प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले, चलो गेट अप, खड़े हो जाओ और चलो अब हम खेलेंगे, खेलें, चलो अब हम खेलें, खेलने के लिए आप आ जाओ. इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, अब बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत देर हो चुकी है, आप बेड पे अभी भी लेटे हुए हो. सो हरी अप यू स्लीपी हेड, आप जल्दी करो. स्लीपी है मतलब जब हम, या तो हमें नींद आ रही है या फिर हम सो के उठते हैं तो हमें ऐसा
थोड़ा हमें सोना है, क्योंकि हमें नींद आ रही है, हमें स्लीपी स्लीपी नींद आ रही है, ऐसा लगता है कि वापस हम सो जाए, उसे कहते हैं स्लीपी हेड। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि अभी अपना स्लीपी हेड आपने ले रखा है नींद वाला, अब आप बिस्तर छोड़ो और अब आप उठ जाओ। वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन नाउ एवरीवन इज अप एंड अबाउट। अब आप लोग जैसे हम लोग वॉश बात होते हैं, तैयार होते हैं, तैयार व्यार हो, अच्छे से ड्रेस दो और सब लोग अब रेडी हैं, आप भी आ जाओ। द काउ द हॉर्सेस द डक्स एंड द शिप, गाय घोड़े बतख होती हैं वो, सिप मतलब भेड़े, और जो छोटे से छोटा टीनिएस्ट, टीनिएस्ट मतलब छोटे से छोटा, टीनिएस्ट मतलब बिल्कुल छोटे से छोटा चिकन, चिकन होता है वो भी अब चिप 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 करके यहाँ वहाँ जा रहा है, वो भी चिप चिप कर रहा है, लेकिन आप अभी तक सो रहे हो, चलो उठ जाओ। ये पूरी पोएम में पोएट ने हमें सुबह उठने का वर्णन किया है। इन द पोएम वेक अप, नाउ आई एम गोइंग टू रीड द समरी ऑफ द पोएम, समरी। इन द पोएम वेक अप द पोएट आस्क एवरीवन टू गेट अप। इन द पोएम वेक अप, पोएम में वेक अप पोएम में द पोएट आस्क एवरीवन, पोएट सभी को कह रहा है गेट अप उठ जाओ, इट इज अ लवली डे, चलो उठ जाओ, ये बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा सा दिन है। He ask everyone to get up. वो सबसे कह रहा है उठ जाने को। Take a bath and dress up and come to play. Take a bath, नहा लो, अच्छे से dress up हो जाओ, अच्छे से कपड़े पहन लो और चलो खेलने आ जाओ। The birds are singing. Birds, पंछी जो पक्षी हैं आकाश में वो उड़ते हैं ना, जो पक्षी चिड़िया तोता मोर पिकॉक राइट, फिर स्पैरोज, ये जो हमारे जो पक्षी हैं, जो हमारे बर्ड्स हैं, वो सब सिंगिंग गाना गा रहे हैं। द बीज आर बजिंग, बीज मधुमक्खी जो बीज होती हैं, हनी बीज से कहते हैं, वो बज जो वो जब उड़ती है तो जो आवाज आती है उसे बजिंग कहा है, बजिंग उसे हम बजिंग कहते हैं इंग्लिश में, तो वो भी अब उड़ रही हैं, आवाज कर रही हैं। द काउ द हॉर्सेस द डग द शीप एंड द टिनियस चिकन आर ऑलरेडी अवेकन, गाय घोड़ा बतख भेड़े और जो छोटे से छोटे चिकन हैं वो भी ऑलरेडी अब उठ चुके हैं। तो अब इसमें पोएट ने से कहा है कि अब आप भी उठ जाओ। हमारे इस पोएट का जो नाम है, जो इसने ये पोएम लिखी है, वो है सीव फ्लेचर राइट। ये जो फर्स्ट पोएम था हमारा, आई थिंक आप सभी को समझ आ गया हो गया। अब हम इसका थोड़ा वॉक्यूबुलरी पढ़ते हैं। वॉक्यूबुलरी आपको वैसे ही हमने व्हाट्सएप तो कर दिया था राइट। वेक अप टू गेट अप, वेक अप उड़ती है।
बज, वो आवाज जो सॉफ्ट साउंड है उसे हम बजिंग कहते हैं। अभी पोयम रीड करते करते मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी किया था। नाउ स्लीपी है, छोटे से छोटा जो उसका विशेषता, ये विशेषण कहलाता है हिंदी में, तो स्मॉलेस्ट। राइट, नाउ वे अप, टू गेट अप, टू गेट अप बाद में निकल जाते हैं। हमें लगता है कि अब नींद नींद वाला सुर हो गया, उसे स्लीपी हेड कहते हैं। टिनीएस्ट, दैट मीन स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा सा। राइट, आई थिंक ये वोकैबुलरी जो था और जो पोयम था वो मैंने आप सभी को समझाया था। तो अब हम इसका टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन हम ये आगे एक्सरसाइज ले लेते हैं। राइट, नाउ नंबर वन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये वोकैबुलरी आपको समझ आ गई, मैं इसे रख कर रही और मैं ये ऑप्शंस आपके सामने लिखने जा रही हूँ। तो हम लवली पे टिक करेंगे और जो ये वर्ड है वो यहाँ पे हम राइट करेंगे।
आगे लिख देती हूँ क्योंकि ये बहुत डाउन जा रहा है। यहाँ पे हम लिखते ए और बी यहाँ लिखा, सी मैं आपके लिए यहाँ लिख रही हूँ। आई एम गोइंग टू राइट सी ओवर हियर। द सी एच आई सी के ई एन चिकन इज वन टू एंड थ्री। फर्स्ट वन इज टीनियस टी आई एन आई ई एस टीनियस। सेकेंड वन इज smallest S and A double L E S T. Now third one is B I double G E S T biggest. हमने क्या read किया था poem में? हमारा जो वहाँ पे बताया था the teeniest chicken आया था sentence teeniest, तो हम teeniest पे tick करेंगे। यहाँ पे fill in the blanks question में लिखी नहीं है इसलिए हमें भी नहीं लिखनी। Okay now D. Everyone is E B E R. यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे Y I R को मैंने लिख दिया है। प्रिंटिंग में समटाइम्स मिस्टेक हो सकता है। तो everyone is one is below B E L O W. Second one is A U P and third one is above. तो हमने जब हमारी पोयम पढ़ी थी उसमें था everyone is A, everyone is up and above. तो यहाँ पे हमारा पहले आएगा A और यहाँ पे fill in the blanks नहीं है तो हम लिखेंगे। नाउ लास्ट वन ई। नेम ऑफ द पोयम इज नेम एन एम नेम ऑफ द पी ओ ई एम पोयम इज। हमारी पोयम का नाम क्या है? ऑप्शन आर अवेक ऑफ ए डब्ल्यू ए के ई अवेक। सेकेंड ऑप्शन इज स्लीप अप एंड थर्ड ऑप्शन इज वेक अप। नेम ऑफ द पोयम इज अवेक अप स्लीप अप और वेक अप। यू ऑल नो वेक अप छोटी कौन थर्ड ऑप्शन वेक अप ए टू ई। नाउ अवर ऑप्शन टिक द करेक्ट ऑप्शन आर कंप्लीटेड। इट्स अ टिक ऑन दिस इट्स अ लवली डे द बर्ड्स आर सिंगिंग द चिकन इज टेनियस्ट एवरीवन इज अप। Name of the poem is Wake Up. सभी में टिक आप लोगों के लिए यहाँ हमने कर दिए हैं। वैसे ये WhatsApp आपके पास आया था लेकिन इसका एक वीडियो भी बना था बाय समाओ वो पहुँच नहीं पाया इसलिए हमने नेक्स्ट वीडियो बनाया और ये वापस से हम आपको भेज रहे हैं। नाउ मैं यहाँ बोर्ड में एक बार फिर से रीड कर लेती हूँ। ए इट्स अ डे तो यहाँ पे हमने लवली पे टिक किया था और इधर हमने एल ओ वी ई एल वाई लवली लिखा। द बर्ड्स आर बेस्ट तो यहाँ ये थ्री ऑप्शंस थे डांसिंग फ्लाइंग सिंगिंग। तो हमारी पोयम में आया था सिंगिंग तो हमने यहाँ पे सिंगिंग लिया। नाउ सी द चिकन इज smallest or biggest? We found in our poem the
नंबर वन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आप लोग सब बोर्ड एक बार अच्छे से देख लीजिए और ये पहले स्क्रीन देख लीजिए। ओनली क्वेश्चन नंबर वन, that means buzzing means soft sound made by bees.